पूर्व विधायक गुरमुख सिंह हुरा ने पंडरी स्थित पगारिया कॉम्प्लेक्स में प्रेस वार्ता लेकर कहा कि पार्टी नेतृत्व के निर्देश पर उन्होंने धमतरी विधानसभा से निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ने का निर्णय लिया है। वे कांग्रेस प्रत्याशी ओंकार साहू को जिताने के लिए कार्य करेंगे। श्री हुरा ने अपने इस निर्णय पर किसी प्रकार का दबाव होने से इनकार किया है। पूर्व विधायक गुरुमुख सिंह होरा का धमतरी विधानसभा से टिकट नहीं मिलने से उनके कार्यकर्ताओं में काफी नाराजगी है। इसके बाद भी वे इस चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी ओमकार साहू के साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं। इसके बाद वे कांग्रेस की मजबूती के लिए कार्य कर रहे हैं। चुनाव के मद्देनजर गुरुमुख सिंह होरा ने पंडरे स्थित पगारिया कॉम्प्लेक्स में प्रेस वार्ता लेकर कहा, धमतरी विधानसभा से उन्हें विधानसभा का टिकट नहीं दिया है, इससे उनके कार्यकर्ताओं में भी काफी नाराजगी है, लेकिन वे प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कुमारी सैलजा और डॉक्टर चरणदास महंत समेत अन्य कांग्रेस नेताओं की समझाइश के बाद निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ने का निर्णय लिया। वे पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता है और कांग्रेस प्रत्याशी के लिए कार्य करेंगे। जो मैंने ये निर्णय लिया है, ये आदरणीय चरणदास महंत जी, पीएस बाबा जी, शैलजा जी के नेतृत्व, उनके जय सिंह जी हैं, उनके सभी की समझाइश के कारण मैंने ये नाम निरसन फार्म वापस लिया है। और कांग्रेस का मैं एक सिपाही हूँ और इतने सालों से, आज 40-45 साल से कांग्रेस का एक सिपाही रहा हूँ और हूँ, तो इस प्रकार का जो निर्णय लिया है ये इन्हीं नेताओं के कारण मैंने निर्णय लिया। पूर्व विधायक गुरुमुख सिंह होरा ने कहा कि कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में दोबारा फिर से बनेगी। भूपेश सरकार के कार्यों को देखते हुए जनता प्रदेश में फिर से कांग्रेस पर विश्वास जताएगी। इस दौरान गुरुमुख सिंह होरा पत्रकारों से वर्तमान राजनीति से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि राजनीति में जाति समीकरण भी देखना पड़ता है, इसके चलते उनका टिकट काटा गया। इसके बाद भी वे कांग्रेस प्रत्याशी के लिए कार्य करेंगे। एक वरिष्ठ कार्यकर्ता होने के नाते, नेता होने के नाते आप चुनाव ना लड़े, निश्चित ही मैंने देखा कि कांग्रेस पार्टी के रहते हुए हमने बहुत सारे काम किए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जितना काम किया है, जितनी हम तारीफ करें कम है। हमारे मुख्यमंत्री जी का कारण ही आज प्रदेश में हम पुनः 70 सीट से पार कर रहे हैं और कांग्रेस के मामले में मैं 40 साल से एक कार्यकर्ता के रूप में काम करता रहा हूँ। 3 बार विधायक रहा, 5 बार चुनाव लड़ा, तो निश्चित ही पार्टी के प्रति एक मान सम्मान मेरे दिल दिमाग में हमेशा रहा है। और पार्टी है तो निश्चित ही हर कार्यकर्ता का एक मान सम्मान होता है, इसलिए आज मैं नॉमिनेशन फार्म नहीं भर रहा हूँ, ताकि हमारे पार्टी का जो कार्यकर्ता है उनसे निवेदन भी करना चाहूँगा कि वो कांग्रेस के प्रत्याशी के प्रति अपना चुनाव चिन्ह जो है कांग्रेस का, उस पर सभी काम करें और हमारे धमतरी विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताएं।